हाई एवरी वन, दिस इज अपूर्वा। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं वापस आ गई हूँ फिर से एक सक्सेस स्टोरी के साथ में। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी स्टोरीज को अपलोड करने के लिए, एंड लकीली यूनिवर्स की तरफ से मुझे बहुत सी स्टोरीज आ रही हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने इतनी स्टोरीज शेयर करी हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं बेसिकली हमें बहुत हेल्प करती है हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन जर्नी में। मैंने पर्सनली जब आई वॉज अ बिगनर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे पर्सनली सक्सेस स्टोरीज ने बहुत हेल्प किया था। कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड होता है वो बहुत कुछ केसेस में तो बहुत जंप करता है कि क्या सच में ऐसा है भी है या नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें एक्चुअली में इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, मैजिकल एक्सपीरियंसेस या फिर कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन हमारी जब होती है, विद टाइम हमारा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। एनीवे, जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं ये भी हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैनिफेस्टेशन स्टोरीज जो होती हैं ये बहुत ही मैजिकल होती हैं हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड एक और चीज़, ये आपकी वाइब्रेशंस को भी रेज करती हैं। अगर हम नेगेटिव बातें सुनते हैं हमारी जो वाइब्रेशंस है वो डाउन जाती हैं। जब हम अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिविटी की बातें सुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम बेटर फील करते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। एंड एक चीज़ और, आज की जो स्टोरी है ये रिलेटेड है एफर्मेशन से प्लस ग्रैबोवे कोड या फिर कह सकते हैं एंजल नंबर, बट मैं ग्रैबोवे कोड बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगी इसको। बेसिकली अगर हम इसको कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो बूस्ट हो जाती है। मैंने पर्सनली बहुत सी मैनिफेस्टेशन करी है अपनी लाइफ में एफर्मेशंस को लेके, इवन मैं आज भी यूज़ करती हूँ एफर्मेशंस। ऐसा नहीं है कि मैं और रिचुअल्स नहीं करती हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर और कुछ मैं नहीं करती, मैं सिर्फ एफर्मेशन करती हूँ। बट बेसिकली एफर्मेशन मेरी मैनिफेस्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सपोज मैंने अभी कुछ टाइम पहले वेट लूज़ किया था, एंड काफ़ी लोग जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने मेरी पास्ट की वीडियोस देखी होंगी एंड अभी की भी देखी होंगी। अभी हल्का सा मैंने फिर से गेन किया है थोड़ा बहुत सा, बट पहले आई वॉज सफरिंग फ्रॉम PCOD एंड एफर्मेशन ने उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने और भी चीज़ें फॉलो करी, बट ऑब्वियसली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी रीप्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एफर्मेशन सबसे ईजी सॉल्यूशन है। एग्जाम मैनिफेस्टेशन, एग्जाम मार्क्स मैनिफेस्टेशन या फिर जॉब मैनिफेस्टेशन, बिलीव में मैंने एफर्मेशंस की मैनिफेस्टेशंस होती हुई बहुत मैजिकल तरीके से देखी हैं, एंड एफर्मेशंस डू वर्क। अगर हम एक बात को बार 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 रिपीटेडली दोहराते रहेंगे हमें वो रियलिटी लगने लग जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, एंड जहाँ हमें वो रियलिटी लगने लगती है हमारा सबकॉन्शियस जो है उस सजेशन को या उस एफर्मेशन को सेव कर लेता है, वहीं से हमारी आउटर रियलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, वहीं से चेंज होता है हमारा गेम। अगर आप कुछ फॉलो करते हो नहीं करते हो, आप सिंपली एक 21 डेज का चैलेंज लेके देख सकते हो। आप कोई भी ऐसी बात या हैबिट सपोज करें आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी है, आप उसकी एफर्मेशन को बनाएं, ठीक है, एंड उसको डेली बोलना स्टार्ट करें। डेली हर एक एक घंटे गैप में, दो दो घंटे गैप में, या फिर मेडिटेशन करते करते जस्ट से दैट एफर्मेशन, ठीक है, 21 डेज तक इसे फॉलो करें। या फिर कोई सपोज करे एक बिलीफ आपका है कि सपोज करे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लंबे बाल, एक्चुअली एक क्वेश्चन मुझे आया भी था, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या कर रखा है, आपने एक बात को बार 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 बोल के कि मेरे बाल छोटे हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते ही नहीं हैं, काफ़ी लोग तो बोलते हैं मेरे बाल बढ़ते ही नहीं हैं। सी, अगर आप चाहें आप उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी जितना आप उस चीज़ को बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, रिपीटेडली बहुत टाइम से बोलते चले जाएंगे तो वैसा ही होगा। आप 21 डेज का चैलेंज लेके देखें एंड इस एफर्मेशन को, जो आपकी एफर्मेशन बनती है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे इतने लंबे बाल हैं, आप इंचेस में उनको ले सकते हैं, जो भी आपको समझ आता है अपनी एफर्मेशन को उसको बनाएं। उस एफर्मेशन को जितना हो सके एक एक घंटे बाद या जब भी आपका पॉसिबल हो उसको अच्छे से बोले, फील करके बोलें, एंड उसकी जगह नेगेटिव एफर्मेशन बोलनी बंद कर दें। 21 डेज तक आपको कुछ नेगेटिव उसके बारे में नहीं बोलना है, सिर्फ उसकी पॉजिटिव एफर्मेशन को आपने रिपीटेडली बोलना है, ठीक है, एंड उसके बाद देखना क्या मैजिक होता है। 21 डेज के बाद आप उसे करके छोड़ दो। 21 डेज लगते हैं किसी भी पुराने बिलीफ या हैबिट को ब्रेक होने में, तो 21 डेज तो आपने मिनिमम फॉलो करना है, बट आप इसे जितना लंबे टाइम तक फॉलो करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है।
तो बेसिकली एफर्मेशंस जो होती हैं डेफिनेटली काम करती हैं. एंड मैं पर्सनली आज भी व्हेनेवर आई डू समथिंग, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, मैं अपने पीछे बैकग्राउंड में कुछ एफर्मेशंस प्ले कर लेती हूँ. कॉन्शियस लेवल पे ना सही, सबकॉन्शियस लेवल पे मैं अपने ब्रेन को फीड करती रहती हूँ अपने विश के अकॉर्डिंग. सो एफर्मेशंस डेफिनेटली डू वर्क. ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज की स्टोरी के बारे में. आज की जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने कहा है, वो एफर्मेशन से रिलेटेड है. एंड ये स्टोरी मुझे भेजी गई थी व्हाट्सएप पे. एंड आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी को इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. चलिए पहले बात कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में. मैं इसको रीड करने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाय अपूर्वा मैम, आई हैव टू शेयर समथिंग. आई बिलीव इन अफर्मेशंस अ लॉट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज चेंज्ड माय लाइफ. मैंने ट्रस्ट करना शुरू किया एंड ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया. 3 months से आई टेस्टेड दिस. मेरी 3 विश थी. First, I wanted to buy iPhone 14 Pro Max Purple. In your videos, आपने multiple तरीके बताए हैं, so I tried them all. मैंने red pen से एक affirmation लिखी कि thank you very much dear universe मुझे iPhone 14 Pro Max Purple देने के लिए 518-9912. ये code fast result के लिए I applied. इस affirmation को मैं 11 times हर hour में बोलती थी एंड ऐसे एज्यूम करती थी कि जैसे मेरे हाथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स पर्पल है. सेम एफर्मेशन के स्टिकी नोट लगा दिए, सेम एफर्मेशन को पिलो के नीचे रख के सोती थी एंड आई हैव क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसमें भी सेम इंटेंशन डाल के वियर किया. इसके बाद मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक कॉम्पिटिशन हुआ एंड ही पार्टिसिपेटेड. बाद में आई केम टू नो कि एक विनर को आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलेगा. आई वॉज शॉक्ड बिकॉज सब 1 week में हुआ एंड आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई विश. एंड मैंने और भी पॉजिटिव हो के सब फॉलो किया एंड येस ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड वॉज द विनर. ही वॉज इन नॉर्वे तब. वेन ही केम बैक ही गिफ्टेड मी दैट फोन. ऐसा नहीं था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट मुझे खुद से नहीं लेना था. So thank you universe. Next I manifested a trip with my husband. He is a very busy bee. मेरा मन था बट वो postpone करे जा रहे थे. So I again used the same way. ऐसे ही affirmation use किया with my crystal. And same week में plan भी बना and हम गए भी, enjoy भी किया. My third wish was little unique. I opened my little shop. Not a shop exactly but घर में ही I did. एंड मैं दिल्ली से 20 पीसेस लेके आई थी. माय विश वाज कि ये सब सेल हो जाए. बेसिकली कस्टमर अट्रैक्शन यहाँ पे वो चाहते थे एंड मैजिक हो गया. अगेन आई यूज्ड द सेम वे विद द कोड एंड क्रिस्टल. मेरा सारा सामान 5 days में सेल हो गया. आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज नॉट श्योर फॉर द बिजनेस आइडिया, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. पॉजिटिविटी की बातें अच्छी लगती हैं, बट होना भी पड़ता है और एक्शंस भी लेने होते हैं. यूनिवर्स सब देने के लिए रेडी होता है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप रिसीव करने को रेडी हो भी या नहीं. थैंक यू अगेन मैम, आई एम एंजॉयिंग दिस स्पिरिचुअल जर्नी. थैंक्स फॉर द कॉन्टेंट यू अपलोड. ग्रैटिट्यूड. थैंक यू सो मच. बेसिकली जो स्टोरी है ये मुझे भेजी गई है बाय रीवा गुप्ता एंड थैंक यू सो मच अगेन इसे शेयर करने के लिए. मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ लास्ट में, जैसे उन्होंने एक चीज़ बोली है कि यूनिवर्स आपको सब देने को रेडी है, बट ऑब्वियसली आपको रिसीविंग मोड में होना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है. रिसीविंग मोड इज़ वेन यू आर रेडी टू रिसीव एंड आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, वेन यू कम्प्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स. ठीक है, एक और चीज़, एक्शंस आर द की. अगर इनके हस्बैंड पार्टिसिपेट ही ना करते या फिर इनको फ़ोन मिल रहा है या उसे एक्सेप्ट ही ना करती, यूनिवर्स का काम था उस चीज़ को इनके सामने लेके आना. अगर ये उसको एक्सेप्ट ना करती तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती. एंड अगेन एक और चीज़, जैसे कि 20 पीसेस सामान के लेकर आई है, तो ऑब्वियसली उन्होंने किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी फॉर्म में उसको मार्केट किया होगा. ठीक है, तो यूनिवर्स ने उन्हें क्लाइंट से, कह सकते हैं, कस्टमर ला के दिए, जिससे उनके सारे जो सामान था वो सोल्ड आउट हो गए, सारी इन्वेंटरी उनकी निकल गई.
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्शंस आपको लेने होते हैं. यूनिवर्स क्या है, लोगों के थ्रू या फिर यू नो आइडियाज के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज देता है. एक्शन लेना आपका काम है, ठीक है. सो ये चीज़ है. अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे इन्होंने टेक्निक करी है. बेसिकली यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की पूरी कहानी है. अगर कोई सजेशन या एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जाके सेव हो जाती है तो वहीं से चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं. इन्होंने कैसे कैसे किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है. इन्होंने रेड पेन से एफर्मेशन लिखी. अभी रेड इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड स्पीडिंग अप थिंग्स. जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, रियलिटी में लेके आने के लिए आप रेड कलर के साथ काम कर सकते हैं. रेड जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का कलर भी होता है, ठीक है. अभी सेकेंड चीज़ उन्होंने यहाँ पे करी है, एफर्मेशन लिखी पेपर पे. स्टिकी नोट टेक्निक मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ भी करी है, बताई भी है वीडियोस में. स्टिकी नोट्स आते हैं बेसिकली, उन पर आपने अपनी एफर्मेशन लिखनी है एंड आपने उसको यहाँ अपने घर में जहाँ आपकी बार 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 नज़र जाए आपने उनको वहाँ पे स्टिक कर देना है उस एफर्मेशन को. तो ये भी आपके सबकॉन्शियस पे काम करती रहेगी, चाहे कॉन्शियसली आप उसको देखें ना देखें, बट सबकॉन्शियसली वो सजेशन आपके माइंड में जाता रहेगा, ठीक है. तो यहाँ से भी हमारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है. अभी थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है पिलो टेक्निक. एफर्मेशन लिख के सिंपली रेड पेन से अपने पिलो के नीचे रखना इज अगेन अ वेरी पावरफुल टेक्निक एंड पिलो टेक्निक बहुत ही मैजिकली काम करती है. अभी एक और चीज़ यहाँ पर उन्होंने करी है, ये है मैनिफेस्टेशन कोड. दिस इज 5189912. मैंने बहुत टाइम पहले एक कोड बताया था 1176 एंड इट्स अ वेरी फेमस कोड बाय द वे. अगर आप एफर्मेशन के एंड में उस कोड को लगाते हो या फिर किसी भी कोड को ग्रैबोवी कोड को लगाते हो वो बहुत जल्दी काम करती है एफर्मेशन. तो इसी तरीके से बेसिकली जो कोड है 5189912 ये फास्ट रिजल्ट के लिए कोड होता है, ठीक है. अगर आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को जल्दी चाहते हो या जल्दी रियलिटी में वो आए तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अभी एक और यहाँ पे चीज़ यूज़ की गई है, वो है क्रिस्टल मैजिक. क्रिस्टल्स आर मैजिकल. मैं पर्सनली क्रिस्टल से हीलिंग करती हूँ एंड इनकी हीलिंग्स भी बहुत अमेजिंग होती हैं. क्रिस्टल ग्रेड्स एंड ये सब चीज़ें, क्रिस्टल्स एक्चुअली डू वर्क अगर आपको सही तरीके से उनके साथ काम करना आता है. क्रिस्टल्स आर वेरी मैजिकल. अभी एक और चीज़ यहाँ पे है, जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ये बेसिकली यू नो किसी भी चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. जैसे कि इन कैंडल मैजिक, इफ़ यू हैव एनी आइडिया व्हाट आई एम सेइंग, इन कैंडल मैजिक अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है देन यू कैन गो विद वाइट कलर. तो सेम वे अगर आपको इतनी क्रिस्टल्स की नॉलेज नहीं है एंड यू डोंट नो कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही है, गो विद क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड आपकी जो भी विश है या फिर इंटेंशन है आप उस क्रिस्टल में डाल के उसे एनर्जाइज करके अपनी इंटेंशन के साथ में उसे वेयर कर सकते हैं. तो क्रिस्टल्स बहुत मैजिकली काम करते हैं. जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसे बूस्ट करने में ये हेल्प करते हैं. तो क्लियर क्वार्ट्ज इज वन ऑफ देम. अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, वो एक काइंड ऑफ आप इसे किसी भी विश के लिए यूज कर सकते हैं. जस्ट होल्ड द क्रिस्टल या टंबल है आपके पास है, ब्रेसलेट है उसका, आपने क्या करना है, आपने उसे होल्ड करना है, अपनी विश को आपने विजुलाइज करना है, एफर्मेशंस चैंट करनी है. माइंड में भी बोल सकते हैं, आपको जैसे समझ आता है कर सकते हैं. स्विच वर्ड्स को, मंत्रास को चैंट कर सकते हैं उसे होल्ड करके एंड देन यू कैन वेयर दैट. इंटेंशन उसमें डल जाएगी. अगर आप ची बॉल के कॉन्सेप्ट के साथ काम करना जानते हैं तो आप ची बॉल भी यूज़ कर सकते हैं. ची बॉल बनाए, उसमें एफर्मेशन डालें, कोड्स डालें, इंटेंशन डालें एंड उस ची बॉल को आपने उस क्रिस्टल में डाल देना है. अगर आप रीकी जानते हैं तो आप उसके सिंबल्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, रूल्स के सिंबल डाल सकते हैं. तो बेसिकली आप मल्टीपल तरीके से क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं. तो हाँ, डेफिनेटली क्रिस्टल्स जो होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करते हैं. तो बेसिकली आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही अमेजिंग मुझे लगी. आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप यू नो अपने सबकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो ये था एक छोटा सा एग्जांपल एंड ऐसे मुझे डेली बहुत से एग्जांपल्स मिलते हैं एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालती रहती हूँ. काफ़ी नॉलेज की चीज़ें, मैसेजेस हो गए या फिर सक्सेस स्टोरीज या फिर क्रिस्टल्स के बारे में मैं डालती रहती हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट पे. तो आप वो भी चेकआउट करते रहा कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है. तो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग सक्सेस स्टोरी. दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड हमारे को बहुत हेल्प करने वाली है, मुझे एंड जो भी देख रहे हैं उनको भी. तो अब थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशन. तो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच. Thank you.